अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को व्हाट्सअप का एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी उठाओगे और इंशाल्लाह आज के बाद आप लोगों को व्हाट्सअप में आप लोगों को कोई भी धोखा नहीं देगा। दोस्तों, मैं आप लोग को ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग को ये ट्रिक किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों, चलते शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ट्रिक को जानने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप लोगों ने इंशाल्लाह आप लोगों को यह ट्रिक किसी ने भी पहले नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, चलते मैं अपना व्हाट्सअप एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, बस व्हाट्सअप की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने व्हाट्सअप से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये स्क्रीनशॉट मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर समझना है। समझने की बात यह है कि दोस्तों, आप लोग अगर किसी ने अपने व्हाट्सएप में रीड रिसेप्ट का ऑप्शन है वो ऑफ़ किया है और आप लोग उसको मैसेज करते हैं और वो नहीं देखता, तो उस सॉरी अगर आप लोग उसको मैसेज करते हैं और देखता भी है लेकिन उसको ब्लू टिक नहीं आता, तो दोस्तों अब आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि ये ऑनलाइन है। अभी दोस्तों ऑनलाइन पता इस तरह चलेगा कि आप लोग उसको सबसे पहले एक टाइपिंग का मैसेज कर दें, हाय लिख के, हेलो, या जो भी आप लोग लिखते हैं तो आप लोग लिखते उसको सेंड कर दिए। आप लोग वो जो जिसको आप लोग भेजते हैं वो मैसेज को रीड करेगा लेकिन आप लोग को ब्लू टिक नज़र नहीं आएगा। दोस्तों, अब आप लोगों ने यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई कर देना है। ट्रिक कैसे अप्लाई कर देना है, सबसे पहले आप लोगों ने टाइपिंग का मैसेज सेंड कर देना है तो आप लोगों का ब्लू टिक का ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आप लोगों ने एक ये ट्रिक ये है कि आप लोगों ने एक सेकंड या दो सेकंड का वॉइस सेंड कर देना है। वॉइस सेंड करने के बाद दोस्तों अगर वो जिसको भी आप सेंड करते हैं अगर वो वॉइस को प्ले कर देता है तो रीड रिसेप्ट तो उसने आप किया हुआ होगा लेकिन वो सिर्फ टाइपिंग के लिए आप हैं, वॉइस के लिए आप नहीं है। तो अगर वो वॉइस को देखता है तो आप लोग को यहाँ पर ब्लू टिक नज़र आ रहा होगा कि उसने वॉइस को देखा, और आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाई लिखा है तो उसको ब्लू टिक नहीं आया है, हाउ आर यू भी लिखा है तो जब भी मैंने यहाँ पर वॉइस किया है तो देख सकते हैं उसको ब्लू टिक आया है, और फिर मैंने हाई फिर लिखा है तो उस ये देखा है हाई वॉइस के नीचे लेकिन ब्लू टिक नहीं आया है। दोस्तों, ये ट्रिक असल में ये है कि आप लोगों ने अगर आप लोग को का मैसेज वो रीड कर देता है और आप ब्लू टिक नहीं आता तो आप लोगों ने वॉइस एक या दो सेकंड वॉइस ज़रूर सेंड कर देना है, तो इंशाल्लाह आप लोग को कोई भी धोखा नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी और चलेगी तो लाइक करना, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।